सुनिए, ये सबीन कहाँ गई है? वो अंदर दिए जलाने गई है। दिए जला रही है, जाओ उसे बुला कर लो। जी। अच्छा रुको, वो ये शाजी कहाँ है? मेरे ख्याल में न्याज बांटने गई थी, पता नहीं। ये लड़की जाती है तो घंटा घंटा भर गायब रहती है, पता नहीं कहाँ न्याज बांट रही है, नजर ही नहीं आ रही गई। सूरज ढल चुका है, पता नहीं घर जाने में कितनी देर लगेगी, मुस्तफा भी घर आ चुका होगा। तुम जाओ सबीन को बुला कर लाओ। मैं देख क्या, देखो उसे किधर है। सारे मजार के दिए आज ही सुलाओगी क्या? बस एक आओ। जिसके नाम के दिए जला रही, क्या उसको पता भी है कि ये दिए जलाते हुए उसकी लौ से तुम अपनी उंगलियां भी जला लेती हो? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हिद्दत ना, जब आग से खेलने का सोच ही गया है तो फिर जलने से क्या डर? मोहब्बत को बयान नहीं किया जाता, ये तो बहते पानी की तरह होती, चलती हवा की तरह, इस दिए की लौ की तरह होती, जो अपना रास्ता खुद ही बनाती। जल्दी करो, खाला नाराज हो रही है। मगर मैं तो ताई जी को बता कर आई थी। लेकिन उनको मौका चाहिए ना नाराज होने का। चलो चलो, बड़ी है गुस्सा कर सकती, चलते हैं। पता नहीं ये लड़कियां कहाँ रह गई। कहाँ रह गई थी तू? कितनी देर हो चुकी, रात भर यहीं रहने का इरादा? नहीं ताई जी, वो मैं क्या नहीं नहीं लगाई, ये घर नहीं जाना, सारी रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? और ये शाजी कहाँ है? आइंदा तो मैं किसी को साथ लाऊंगी नहीं, अकेली आऊंगी। चलो उसको देखते हैं किधर है। ये प्रेजेंटेशन आई है सर, वो जल्दी में। एक प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगता है? एक मिनट, दस मिनट, एक दिन, एक हफ्ता। ये प्रेजेंटेशन मेरे कहने से पहले मेरी टेबल पे मौजूद होनी चाहिए थी, कंप्लीटेड। डेडलाइन जानती है अब क्या थी? सर वो एक दो दिन मेरी तबीयत खराब थी। कंपनी आपको मेडिकल सिर्फ इसलिए देती है ताकि आप अपना काम अच्छे तरीके से करके टाइमली डिलीवर किया करें। मुझे अपना काम 100% चाहिए, नथिंग लेस। ये प्रेजेंटेशन मुझे हर हाल में कल सुबह अपनी देवता चाहिए। ये मैं लेता हूं। ओके सर। हेलो जी, मैं आता हूं। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते, मेरी अम्मी परिंदों की तरह परों के नीचे बच्चों को छुपा कर रखती है, और अगर कोई जरा सा इधर उधर हो जाए तो बहुत शोर मचाते। और ये तुमने एकेडमी आना क्यों छोड़ दिया? असल में ना अम्मी को शक हो गया था कि मुझे एकेडमी आते जाते कोई तंग करने लगा, इसीलिए मेरी एकेडमी जाना बंद करवा दिया। और तो और कहती है कि भाई ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उससे पढ़ो। अच्छा तुम बताओ, कुछ लाए भी हो मेरे लिए या ऐसे ही आ गए? लाया हूं ना। तो दिखाओ ना क्या लाया हो, जल्दी दिखाओ। ये देखो चूड़ियां और बालियां। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। बड़े वाले मॉल से लाया हूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कहीं अम्मी ने देख लिया ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। फिर मिलते हैं, बाय। जरा सा भतीजी का नाम क्या ले लिया, फौरन खून ने जोश मार दिया, और वो भी ऐसा खून के। बस करो रफीक साहब, बस। एक लफ्ज भी मुंह से बाहर मत निकालना। क्या हुआ?
कहाँ थे तुम? वो आपने ही तो न्याज दी थी, वही बांट रही थी। न्याज बांटने में इतना टाइम लगता है? चलो फरहत आपा, आप यहाँ? बस शाहजैन की आफियत के लिए मन्नत मानी थी, वो चढ़ाने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह जीते रहो। दरअसल उसके वालिद के जाने के बाद दिल बहुत डर सा गया है। और तुम लोग यहाँ कैसे? मैं भी मुस्तफा के लिए न्याज देने आई थी। असल में मैंने भी मन्नत मानी थी कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसे माशाल्लाह से बहुत अच्छी नौकरी मिली। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो। फरहत आपा, आपने तो हमारी तरफ आना ही छोड़ दिया। बस नफीसा, मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, लगाऊंगी चक्कर, जरूर आऊंगी। चले? हाँ चलो। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। सलाम सलाम। एक तो ये सबीन भी ना, छप जाती है, इतनी देर करवा देती है जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं कौन सी ऐसी मन्नतें मुरादियां जो इस लड़की की पूरी नहीं होती। जब देखो दिए जलाने बैठ जाती है, जब देखो दिए जलाने बैठ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह करे सबकी मुरादें पूरी हो। बस जरा सा भतीजी का नाम क्या ले लिया, फौरन खून ने जोश मार दिया, और वो भी ऐसा खून के। बस करो रफीसा, बस। एक लफ्ज भी मुंह से बाहर मत निकालना। जो राज इस घर की बुनियादों में दफन है उसको बाहर निकालने की कोशिश मत करो। नहीं निकालूंगी, नहीं निकालूंगी एक लफ्ज भी। और आज तक मैं आपकी वजह से चुप रहती हूं। मुझे फिक्र है तो अपने सिर्फ बेटे मुस्तफा की, हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। ऐसी नजरों से मेरे मुस्तफा को देखती है कि अल्लाह की पनाह तौबा है भाई। एक आंख नहीं भाती ये लड़की मुझे। एक ही बेटा है हमारा मुस्तफा, अगर हमारे हाथों से निकल गया तो इस बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? मैं तो हर वक्त अल्लाह से एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हर तरह के शर से और शर वालियों से बचा के रखे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा शरीफ है, कभी उसने पलट किस लड़की को नहीं देखा। कितनी बार मैंने सफदर भाई से कहा कि इस लड़की को इस घर से चलता करें, ताकि इस लड़की के नापाक कदम हमारे घर से निकले और अल्लाह ने जो रहमत के दरवाजे हमारे घर पर बंद किए वो खुल सके। बस कर जाओ, बस चुप। कदरदार जो एक लफ्ज़ मुझसे निकाल। मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कितनी देर हो गई है? मैं अब्बा को खाना दे रही थी। अब्बा को तो तुम खाना रोज देती हो, लेकिन आज इतनी देर क्यों हो गई? तुम भूल गए, आज जुम्मे रात है और हम सब मजार जाते हैं, इसलिए। तो क्या जरूरत है रोज रोज मजार पे जाने की, दिए जलाने की? बताओ मुझे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, दिया जलाते हुए उंगली जलती। कब तक दिए जलाती रहोगी?
जब तक ऊपर वाला मेरी मुरादें नहीं पूरी करते। तुम तो ताई जी से बात नहीं करोगे, इसलिए मुझे ऊपर वाले को मनाने के लिए दियो का सहारा लेना पड़ता। ऊपर वाला मान गया तो इसका मतलब ताई जी भी मान जाएंगे। मान जाएंगे, अम्मी भी मान जाएंगी। मगर कब? जब अब्बा मेरी किसी और से शादी करवा देंगे या फिर कोई और आके मुझे ब्याह के ले जाएगा। ताई जी को तो जब देखो अब्बा को मेरे रिश्तों का मशवरा देती रहती है। कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा कहीं रिश्ता तय होगा और ना तुम्हें मेरे सिवा कोई और ब्याह के लेके जाएगा। मुस्तफा ने तुम्हें दिल से चाहा, इतनी आसानी से किसी और का नहीं होने दूंगा, समझी तुम? लेकिन कभी ऐसा वक्त आया ना मुस्तफा, तो मैं अपनी कबूलियत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। आइंदा कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। देखकर नहीं चल सकते क्या? मुझे तो नजर आ रहा है ये तुम हो जो कि बिना देखे भागते हुए टकरा रही हो मुझसे। क्या किया तुमने? मेरा इतना महंगा सूट तुमने तबाह कर दिया। जानती हो क्या कीमत है इसकी? जितनी भी कीमत हो, लेकिन किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगी ये बात? सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी दूसरे का नुकसान करके उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देना, ये हमारे माशरे में होगा। हाँ हाँ, आप तो किसी और प्लैनेट से ना, इस माशरे से तो है ही नहीं। मैं तो भूल ही गई। अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अपनी आंखें बंद कर, खोलना नहीं। एक सेकेंड, अब खोल। ये क्या, फोन क्यों? ताकि हम आराम से बातें कर सकें। छत पे तुम आती हो मिलने और तुम्हें जाने की पड़ी होती है। नहीं नहीं, ये पकड़ो अपना फोन, मुझे नहीं चाहिए फोन। ताई जी या हब्बा को पता चल गया तो फिर बहुत बुरा होगा। हाँ तुम अपने पास रखो फोन, मुझे नहीं चाहिए, हम लोग यहीं पे मिल लिया करेंगे। सबीन, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम ये रखो और रिलैक्स करो, समझी तुम? खत्म। क्या हुआ? अम्मी, वो अम्मी, मैं नीचे जाओ। तुम अम्मी, मुस्तफा, मैंने तुम्हें कहा ना नीचे जाओ। क्यों बनाया है? शाहज़ैन, फूफो का बेटा, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। लड़कियों से बात करने की जरा तमीज नहीं है उसे। ऐसा क्या हो गया है? अब तुम ही बताओ सोफी, अनजाने में कोई लड़की किसी लड़के से टकरा जाए और उसकी मेहंदी की थाल उसके कीमती सूट पे लग जाए तो क्या उसे उस लड़की की परवाह होनी चाहिए या फिर उस कीमती सूट की?
लड़की की ऑफ कोर्स। वो इतना जाहिल है कि उसे सिर्फ अपनी सूट की पड़ी हुई थी। अच्छा, तो अब तुम्हें मैं जाहिल लगने लगा। तुमसे पूछता हूं मैं, ऑनेस्ट जवाब देना। एक लड़की बिना देखते भागते हुए जा रही है, उसके हाथ में मेहंदी की थाली है, वो लड़के से टकराती है, मेहंदी लड़के के कीमती सूट में गिर जाती है, उसका सूट खराब हो जाता है। गलती किसकी हुई? लड़की की ना। तो लड़की को लड़की से सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ बोलना चाहिए। सोबिया तुम मेरी दोस्त नहीं हो उसकी? मैं क्या कह रही थी कि मुझे तुम लोगों के इस मसले में नहीं पड़ना, सो प्लीज हैव फन। माफ कीजिए, कीमती इंसान सूट में। साहब आपको बेगम साहिबा खाने पर बुला रही हैं। ठीक है जाओ। जो तुम सोच रही हो वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुस्तफा मेरा इकलौता बेटा है, अपने खून में तुम्हारे खून की मिलावट तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुस्तफा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ताई जी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने तो हमेशा आपका बहुत एहतराम किया। कुछ बातें इस घर के इज्जत के तहखाने में दफन है, वो दफन ही रहे तो अच्छा है। बस एक बात याद है, जो ख्वाहिश तुम्हारे दिल में जाग रही है वो कभी पूरी नहीं होगी, समझे तुम? और बेहतर है कि इस ख्वाहिश को यहीं अभी इसी वक्त दफन कर दो। खाना बनाने लगा इनको हमारा, बहुत अरसे के बाद कोई ढंग का कुक मिला है। शाज़ेन, हमारा शादी के मुतालिक क्या प्लान है? आपको मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया आज? माँ हूँ तुम्हारी, मुझे ख्याल नहीं आएगा तो किसको आएगा? फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मैंने भी नया बिजनेस शुरू किया, मुझे इसको सेट करना, एस्टैब्लिश करना। फिलहाल मेरे पास शादी के लिए कोई वक्त नहीं है। ये क्या बात हुई? शादी के लिए वक्त का बहाना? शाज़ेन मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारी शादी करनी है। मैं सारा सारा दिन बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगी। अच्छी लड़की ढूंढने में कुछ टाइम लगता है, अच्छी बहू तलाश करना भी आजकल किसी मार्केट से कम नहीं है, करना पड़ेगा। मौन माँ, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, तो मुझे नहीं करनी। और वैसे भी मैं शादी वगैरह पे बिलीव नहीं करता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा अमेरिका जाकर? अब आशिक लग रहे हो तुम। लेकिन क्या अम्मी को मनाने में तुम मेरी मदद करोगी? सोबिया मुस्तफा की मदद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पागल हो गई हो क्या? शाज़ेन और मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता।
इश्क दा मोल की लावे दुनिया इश्क बराए फरोख्त नहीं। ये शर्ट इस्ते कर दूं? हाँ कर दो। सुनो, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, छुट्टी है। इसका मतलब सबीन भी नहीं गई होगी? हाँ। वैसे एक बात कहूँ? क्या? तुम तो बहुत ही डरपोक हो। मर्द तो बड़े दलेर होते हैं, अपने कॉल के लिए, अपनी जुबान के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। और तुम किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हो कि कब वो आएगा और सब ठीक कर देगा। मोहब्बत की है, उसे हासिल नहीं करोगे? मैं डरपोक नहीं और ना ही कमजोर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी सोचा है कि परवाना आपके पास क्यों जाता है, जबकि वो तो जानता है कि वो जल जाएगा। मोहब्बत की जाती, सोची नहीं जाती। मुस्तफा, तुम्हें क्या पता सोफी, तुमने मोहब्बत सोची होगी लेकिन मैंने की है। बेड़ियां डाल देती है पैरों में तो कदम चलना मुश्किल हो जाता है। जब मोहब्बत करोगी जान जाओगी। हर कोई तुम जैसा खुशकिस्मत नहीं होता जो मोहब्बत भी करे और ऐलान मोहब्बत भी। इधर तो लोगों की उम्र गुजर जाती और इजारे मोहब्बत नहीं किया जाता। मैं सारी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मैं सबीन से मोहब्बत करता हूँ। अरे वाह, अब आशिक लग रहे हो तुम तो। लेकिन क्या अम्मी को मनाने में तुम मेरी मदद करोगी? सोबिया, मुस्तफा की मदद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वक्त आए तो आजमा के देख लेना। श्योर डिस्प्ले करूँ तुम्हें। शाज़ेन जी, बेटा अपने ड्राइवर के हाथ ये नियाज मामू के घर भिजवा देना। तो ये तो आप कल भी दे सकते। बिल्कुल जहन में नहीं रहा, भिजवा दो ना। जी भाई अभी। लेकिन ये बताओ ये कौन सी नमाज पढ़ी जा रही है इस वक्त? जब दवा काम ना आए तो फिर दुआओं पर इत्तफा करना पड़ता है। जानती, लेकिन ये तो बताओ ये दिए ये दुआएं ये सब किसके लिए, किसको मांगती हो इतनी शिद्दत से? है कोई, वक्त आने पर बताओ। उसके लिए वक्त का इंतजार क्यों, बताना है अभी बताओ। और वैसे तुम लाख छुपाओ लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या क्या जानती हो तुम? यही
ये दिए किसके लिए जलाती हो, वजीफे किसके लिए करती हो और तुम्हारी दुआएं किसके गिर्द घूमती हैं? और ये वही है ना जिसके लिए तुम्हारी जुबान पर हर वक्त तस्बीह रहती है? अल्लाह जाने क्या बातें कर रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। नहीं अम्मूजान, बस ये नया जमीन भिजवाई थी, देने आया था। इखलाक मामू को भी भिजवा दीजिएगा, मुझे देर हो रही, ऑफिस से मैं चलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन जरा एक मिनट रुको, मैंने आपा के लिए कोई कागजात भेजने हैं, मैं अभी आता हूँ। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा चल गया, और वो भी इश्क में। वैसे कल शाहजैन भी तुम्हें बड़ा घूर घूर के देख रहा था, कहीं वही तो नहीं है? पागल हो गई हो क्या? शाहजैन और मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, इतना अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, अमेरिका से पढ़कर आया है और इतना बड़ा बिजनेस है उसका, और जब जब वो तुम्हें देखता है खो से जाता है। जो अमेरिका से पढ़कर आता है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, क्या उसकी नेचर बदल जाती है? हाय अल्लाह, क्या खराबी है उसकी नेचर में? और वैसे भी अगर कोई मुझे इस तरह बार बार घूर के देखता और खो भी जाता तो मैं तो उसे फौरन हाँ बोल देती। शाहजैन जैसा इंसान ना ही किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही उससे मोहब्बत की जा सकती। ये उसके बस का काम नहीं है। सही कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत जैसी बेकार और फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं, पर ना ही मैं उन लोगों में से हूं जो मोहब्बत के नाम पे बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के नाम पे गुजार देते हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। मेरा काम पैसा कमाना है और पैसे में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। बहुत घमंड है ना आपको अपनी दौलत पर, आप अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं मगर किसी की मोहब्बत, किसी का इश्क नहीं। प्यार, मोहब्बत, इश्क सब कुछ बिकता है, बस खरीदने का फन आना चाहिए। मैं भी किसे बहस कर रहा हूं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं और वक्त की कीमत का अंदाजा तुम्हें कहा? तनी खुद को क्या समझती? शाहजैन और मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शाहजैन जैसा इंसान ना ही किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही उससे मोहब्बत की जा सकती। बहुत घमंड है ना आपको अपनी दौलत पर, आप अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं मगर किसी की मोहब्बत, किसी का इश्क नहीं।
Yes? Sir, presentation ready. तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 70,000. शादी हो चुकी तुम्हारी? नो सर, अभी मंगनी हुई. अच्छा, लव अरेंज्ड? सर लव. लव. ठीक है, आज से तुम्हारी सैलरी डबल. वाकई सर, थैंक यू सो मच. शाम को क्या करेगी? सर अपने फियांसे के साथ डिनर पे जाऊंगी. अच्छा, कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें आज डिनर पे लेके जाऊंगी. वाकई सर, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी. तो तुम्हारा फियांसे डिनर? सर मैं मना कर दूंगी, कोई मसला नहीं. ठीक है, तुम्हें बताऊंगा मैं. ओके सर. शुक्र है अब्बा को शाहजहान की नाराजगी के बारे में पता नहीं चला, वरना मेरी तो शामत आ जाती. एक बात पूछो. पूछो. अगर वो तुम्हारा ना हो सका, किसी और का हो जाए, तो तुम क्या करोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की शिद्दत और दुआओं की तासीर में इतनी ताकत है कि उसे कभी किसी और का होने नहीं देगा. चलो मान लो अगर हो जाए तो क्या करोगे? तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी भी जान दे दूंगी और उसे मुझसे दूर करने वाले की भी जान दे दूंगी. अगर ऐसा होगा नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं. सोबिया, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? तुमने अरीशा की तनख्वाह बढ़ा दी. वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? पूरे ऑफिस को पता, लेकिन इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम उससे. तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट ऐसा है? वो अभी तक बैठी है. मैंने पूछा तो कहती है कि शाहजहान सर के साथ आज डिनर पे जाऊं. आखिर ये माजरा क्या है? मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहब्बत और पैसे के बीच में जीत किसकी होती है. तुमने अपनी उस कजन को अपने सर पे सवार किया, कहीं तुम उससे मोहब्बत तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा मोहब्बत पे बिलीव नहीं है मेरा, जानते हो तुम्हें. तो इस बात का मतलब तुमने अरीशा की तनख्वाह बढ़ाकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि मोहब्बत और पैसे की जंग में जीत हमेशा सिर्फ पैसे की होती है. ऐसा ही है. यू आर इम्पॉसिबल. चलो चलता हूँ. अच्छा सुनो, खालिद साहब को जाते वक्त डोनेशन का चेक दे देना, यूनिवर्सिटी वैसे भी तुम्हारे रास्ते में पड़ती है. ओके. अगर वो तुम्हारा ना हो सका, किसी और का हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी भी जान दे दूंगी और उसे मुझसे दूर करने वाले की भी जान दे दूंगी. रब्बा इश्क कभी ना हो गए, इश्क कभी ना हो.
मुझे लगता है तुम मेरी दौलत पावर से हासिल करती हो। आप में कौन से कोई सुरखाब के पर लगे जो मैं आपकी दौलत से असर करूं? खैर सुरखाब के पर तो तुम्हें भी नहीं लगे। ये देख रहे हैं मोबाइल जो उसने मुस्तफा से लिया अदाएं दिखाकर। सबीन ऐसे नहीं कर सकती। तो ठीक है बुलाएं सबीन को, पूछे उसे ये मोबाइल किसका है। इजाजत है भाई साहब। जी बिस्मिल्लाह करें।